नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनएन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप की घटना का शोर अभी थमा भी नहीं था। वहीं नरसिंहपुर के चुचली से भी महिला के साथ गैंगरेप का एक और मामला सामने आया, लेकिन यहां खास बात यह रही कि प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर गैंगरेप मामले पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और मध्य प्रदेश को यूपी का हाथरस नहीं बनने दिया। बात करते हैं नरसिंहपुर की, जहां 28 सितंबर को मृतका खेत में चारा काटने गई थी। इस दौरान तीन लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया, जहां महिला का कहना था कि वारदात की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करना तो दूर, उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दुष्कर्म पीड़िता ने तंग आकर अहिंसा दिवस पर आत्महत्या कर ली। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या कुछ था। आपको बता दें कि 28 सितंबर को महिला खेत में गई थी चारा काटने के लिए, जहां तीन अज्ञात लोग उसके पास आते हैं और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को, इस कृत्य को अंजाम देते हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस में जब शिकायत की गई तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया और उल्टा पीड़िता को ही धमकाना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुष्कर्म पीड़िता ने तंग आकर अहिंसा दिवस पर आत्महत्या कर ली। वहीं इस पूरे मामले में सभी पांच आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी चौकी इंचार्ज मिश्रीलाल पर भी मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और एएसपी और एसपी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने गैंगरेप के मामलों का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ दिया। उन्होंने इन घटनाओं पर बीजेपी सरकार में हुए पुलिस विभाग के तबादलों से जोड़ते हुए आरोप लगाया और कहा कि अधिकारियों के तबादलों की वजह से ही प्रदेश में दुष्कर्म मामलों में इजाफा होता नजर आता है। जितने भी 15 दिन लग गए हैं वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया बल्कि सामूहिक गैंगरेप हुए हैं। अंतर समझ लीजिए, ये सब गैंगरेप हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कारण क्या है? हां, जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज्यादा बढ़ जाता है, अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं घटनाएं दुराचार होना चालू हो जाते हैं। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं 2018 से साल 2019 तक ये गिरावट भी दर्ज की गई है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गई है बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी। राजू मालवीय जी, सबसे पहले तो आपका जीएनएन में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राजू मालवीय जी, जिस तरह से नरसिंहपुर की घटना, नरसिंहपुर में गैंगरेप मामला बढ़ा और ऐसे में देखा गया कि फिलहाल तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हाथरस का मामला भी, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति का रूप लेता हुआ जा रहा है, लेकिन अगर बात अपने प्रदेश की जाए तो प्रदेश इससे बचता हुआ नजर आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत एक्शन लिया और एसपी और एएसपी को निलंबित कर दिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कठोर कार्यवाही ने यह संदेश दिया है
कि मध्य प्रदेश में हम किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी स्तर का व्यक्ति होगा अगर गलती करेगा तो सजा पाएगा और बहनों के साथ तो कम से कम जरा भी कोताही बरती नहीं जाएगी। बिल्कुल राजू मालवीय जी, अभी फिलहाल चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल को भी जुड़ना था लेकिन अभी तकनीकी खराबी के चलते वो जुड़ नहीं पाई है। ऐसे में अगर बात की जाए कि जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा गया है कि साल 2018 से 2019 तक में ये आंकड़ों में गिरावट नजर आई है, फिलहाल क्या कुछ वजह आप मानती है इसके? देखिए 18 और 19 के तो एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आए हैं अभी, आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे पास फिलहाल जिस एनसीआरबी के नहीं, जिस तरह से अभी प्रदेश में आंकड़े आए हैं कि जिस हिसाब से ये रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है, सरकार ने लगातार किस किस तरह की कार्रवाइयां हुई थी, किस किस तरह की घटनाएं हुई थी आपके और हमारे सबके सामने थी, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि उस समय कमी आई थी। पहले ही दिन जिस दिन शपथ हुई है उसी दिन बहनों की चैन स्नैचिंग होनी शुरू हो गई थी बहनों के। राजू मालवीय जी, आपने सवाल नहीं सुना। सवाल यहाँ पर ये था कि जिस तरह से भी आंकड़े सामने आए, बात यहाँ पे एनसीआरबी के आंकड़ों की नहीं की गई है, बात ये की गई है कि पुलिस प्रशासन पे जितने भी अभी तक थाने में कार्रवाई दर्ज की गई है गैंग रेप की या दुष्कर्म की, उसको लेकर किस तरह से क्या कुछ आंकड़े हैं। उसमें यह है कि 2008 में जो आंकड़े थे वो अब कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की गई है साल 2019 में जी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। 2008 से 2019 10 साल का परिवर्तन आप देख रहे हैं जी। स्वाभाविक रूप से 2008 में जो चीजें थी 2019 आते आते बहुत सारी इस दिशा में जागरूकता बढ़ी है, बहनों के लिए योजनाएं बनी हैं, सरकार ने भी अपने लेवल पर बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करने की कोशिश की है, कोशिश किया है कि पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से कार्य करे और समाज में भी जागरूकता आई है। कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं, स्कूल या अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी हमने आग्रह किया था और उन्होंने अपने लेवल पे भी बहुत सारी कोशिश की है जी। तो इसके कारण बहुत हद तक बेटियां भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग इनकी हुई है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी भी घटना के लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती है जी, और जब चारों तरफ से जब हम बचाव के लिए खड़े होते हैं तो फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने ही बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया था जी। ये बात अलग है कि कई बार कानूनी कार्यवाही होने में देर हो जाती है या एक कोर्ट फांसी दे देती है तो आरोपी दूसरे कोर्ट चला जाता है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी कि ऐसे लोगों के लिए भी सजा माफी मांगने लोग चले जाते हैं जी। बिल्कुल, तो उसके कारण चीजें लेट हो जाती है और उससे पीड़िता बहुत परेशान हो जाती है जी। लेकिन राजू जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी आप लोगों पर हमलावर है, आपकी पार्टी पर, और ऐसे में उनका लगातार कहना है कि आप लोग कहीं ना कहीं आपके जो शिवराज सरकार है, शिवराज सरकार में गुंडा राज है और इस तरह से कानून की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं ये उल्टी होती जा रही है। देखिए गुंडा राज, माफिया राज, ट्रांसफर उद्योग, ये तो हमने 15 महीने की सरकार में देख लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ बहनों के साथ होने वाले किसी भी अपराध के मामले में राजनीति ना करते हुए संवेदनशीलता के साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए बहनों के साथ होने वाला अपराध भी राजनीति का ही माध्यम है जी। आप देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, जिस दल की महासचिव एक महिला है, उनकी खुद की बेटी 18 साल की है, लेकिन उस बावजूद भी उन्हें मध्य प्रदेश की बेटी के साथ होने वाली घटना दिखती है, हाथरस की बेटी के साथ होने वाली घटना दिखती है, लेकिन राजस्थान की बेटी के साथ और महाराष्ट्र की बेटी के साथ होने वाली घटना नहीं दिखती। ये कैसा न्याय है, ये कैसी संवेदनशीलता है, मुझे समझ में नहीं आता। संवेदनशीलता तो बेटी तो बेटी है ना, चाहे महाराष्ट्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो या राजस्थान की हो, जिसने भी घटना हुई है, जिसने भी घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड होना चाहिए।
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो बाकी आरोपी हैं और अगर कोई किसी के दिमाग में इस तरह का कृत्य करने का अंजाम भी सोच रहा है तो वो फिलहाल इस चीज को जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी सख्त हो ताकि वो पहले ही खौफ में आ जाए आरोपी। लेकिन अगर बात की जाए आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का एक बयान सामने आया, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि बीजेपी की वजह से ही जिस तरह से बीजेपी में फेरबदल और तबादलों का दौर जारी है इसकी वजह से कहीं कई गैंगरेप मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व में रहे एनपी प्रजापति जी के कथन को आप कह रहे हैं बीजेपी को आड़ो हाथ लिया। मैं कहती हूँ वो तो अंधे मुंह पहले ही गिरे हुए हैं कि उनकी जो सरकार में तो ट्रांसफर उद्योग चला था और उस ट्रांसफर उद्योग में फिर कितनी परिस्थितियां खराब हुई होंगी, जरा ये विचार करना चाहिए उन्हें। वो एक सीजनड व्यक्ति है, उन्हें कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। देखिए जिस तरह से अभी डिस्कशन तो इस फिलहाल उस पर हो रहा है कि ये लगातार कहीं ना कहीं जो हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना मध्य प्रदेश में नहीं घटी और फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल से प्रभाव ले लिया ताकि एक्शन ले लिया ताकि ये घटना आगे और बड़ी ना हो जाए। लेकिन चूंकि आप एक महिला है, महिला के तौर पर अगर आप कानून व्यवस्था पर नजर डालें तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी रहेगी कि कानून व्यवस्था क्या दुरुस्त है उस मामले पर? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी कानून व्यवस्था। मेरी कर सकते खरगोन में बलात्कार, जबलपुर में बलात्कार, सतना में बलात्कार, भोपाल में बलात्कार, पन्ना में बलात्कार, नरसिंहपुर की मैंने आपको अभी बताई, एक सप्ताह में हुआ ये सब और आप बोल रहे कानून व्यवस्था अच्छी है? आप लोग थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए। अपराजिता जी आप पढ़ी लिखी महिला है, कानून व्यवस्था बोलने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि कार्रवाई होना इम्पोर्टेंट है और हर केस में कार्रवाई हुई और इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई की सरकार जांच कर लो, तबादलों की सरकार हो गई थी, तबादला उद्योग आप चला रहे थे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, पूछता नहीं थी आपको, चिंता नहीं दी थी महिलाओं को सुरक्षा। आपने भी प्रियंका गांधी के स्टेटस को दोहरा दिया कि आपको राजस्थान में कुछ और दिखता है, महाराष्ट्र में कुछ और दिखता है, मध्य प्रदेश में कुछ और दिखता है, राष्ट्र मुझे आज का दिन राजनीतिकरण करने का दिन नहीं है। आज राजनीतिकरण आप कर रहे हो, राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे हैं और हमने तो अगर कोई घटना घटी और उसमें पुलिस प्रशासन की चूक पाई गई तो तत्काल कार्रवाई की है करूंगी ना, आप ये टॉलरेट करेंगी? अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना टाइम है कि डोनाल्ड ट्रंप को विश कर दे बट हाथरस केस पे एक ट्वीट नहीं कर पाए। स्मृति ईरानी जी जो WCD मिनिस्टर हैं आज उनके मुंह में दही कैसे जम गया, पहले तो खूब उन्होंने आवाज उठाई थी कि एक भी महिला जो यूपी से सांसद है आज उनको यूपी की बेटी के लिए क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? आज हमें सब साथ मिलकर महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना है। ये भारतीय जनता ये भाषण प्रियंका गांधी को दे रहा है ये भाषण अभी लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ मामलों में ये गिरावट भी दर्ज की गई है। अपराजिता जी ऐसे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का एक बयान सामने आया जहां उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि बीजेपी में जिस तरह से तबादलों का दौर जारी है उसकी वजह से गैंगरेप मामले हो रहे हैं, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह इसके ये कहना आखिर क्या चाहते थे, क्या कुछ ये मामला हुआ? क्यों राहुल गांधी नहीं गए राजस्थान, क्यों नहीं गए महाराष्ट्र? अरे राहुल गांधी जी को आप हाथरस क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या है छुपाने के लिए? क्यों रातों रात उसको जला दिया गया? क्योंकि मैं उसको अंतिम संस्कार नहीं कहूंगी, हिंदू धर्म की बात करते हिंदू धर्म के रक्षक कहते और एक माता पिता को अंतिम संस्कार नहीं करने देते? अपने लोगों को समझाओ। अपराजिता पांडे जी फिलहाल आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, अभी हाथरस पे डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, हाथरस मामले पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अभी फिलहाल एनपी प्रजापति का एक बयान सामने आया जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में जिस तरह से तबादलों का दौर जारी है इसकी वजह से गैंगरेप मामले हो रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं अपराजिता?
भूल गए थे अंधे सवाल आपका किससे है? अंधे भाजपा पार्टी जी आपसे देखिए क्या, मैं तो आपसे कहती हूँ जो उन्होंने कहा ना क्या नहीं जा रही है। आज इतने जो मैंने आपको बताया पूरी घर गिनवाए, किसानों की बात करें आप, महिलाएं की बात करें, युवाओं की बात करें, हर एक वर्ग आज इतना इतना आक्रोशित है। आप जिस तरीके से इन्होंने लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को पैसों के मोल पे गिराया, पहले वोटों की राजनीति को नोट की राजनीति बनाया और अब महिलाओं का असम्मान मध्य प्रदेश में हो रहा है। और शिवराज जी क्या कर रहे हैं, वो अपनी चुनावी प्रक्रिया चुनाव के रैली में शिवराज जी ने सुरक्षा और संरक्षण किसी बेटी का आपके प्रवचनों और मुझे का मुझे उत्तर दे दे और एक महिला के तौर पे उत्तर दीजिएगा। एक सप्ताह में इतने रेप क्या दिखाता है मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था के बारे में? अपराजिता जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल अभी पटे राजू मालवीय जी ने फोन तकनीकी खराबी के चलते या तो कट गया है या फिर काट दिया है, जो भी है, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार सवाल जवाब का दौर बेदस्तूर जारी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इजाफा भी हुआ तो वहीं गिरावट भी दर्ज की गई है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कुछ टिप्पणी रहेगी? राज्य स्तर पर देखें कितनी बुरी हालत है आज महिलाओं की पूरे भारत में। इतनी सिंपली किस मुंह से कहते हैं इनको, तो आज संवेदनशीलता से एक्नॉलेज करना चाहिए, इनको शर्म से सर झुकाना चाहिए। आज जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, अरे हाथरस में आप राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को रोक लेंगे, देश को क्या आज भी बैरिकेडिंग हो गई, देश को क्या आखिर आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? छवि बिगड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कारण, मध्य प्रदेश की छवि बिगड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कारण। और बोलते और यहाँ पे आके बोलते हैं कि न्याय व्यवस्था अच्छी, कानून व्यवस्था, अरे कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था बची भी है आपके? हमारे साथ एक बार फिर से राजू मालवीय बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरह से अपराजिता पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून व्यवस्था है शिवराज सरकार में कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुकी है, जिसके चलते ये मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोई कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है, लगातार प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अगर कहीं कोई कमी बेसी पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई भी होती है। और वो आपने नरसिंहपुर में भी कार्रवाई देखी, खरगोन में भी देखी, अन्य जगह भी आपने कार्रवाई देखी है। एफआईआर फाइल करवाने की उसके साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है तो उसके पति से मांग की जाती कि 50,000 रुपए दीजिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक। लेकिन यहाँ पर राजू मालवीय जी एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से नरसिंहपुर में गैंगरेप का मामला हुआ, ऐसे में जब पीड़िता पुलिस प्रशासन के पास जाती है शिकायत करने के लिए तो पुलिस प्रशासन उसकी शिकायत दर्ज नहीं करता, उल्टा उसी पर आरोपी को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो यहाँ भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। आप ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसपी तक को हटा दिया, क्यों हटाया? ये नौबत क्यों आई? हम ये बताइए ईमानदार रहना चाहिए, ये उम्मीद उनसे की जाती है। अगर उन्होंने मिलेगी राजद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन जब निचले स्तर की बात की जा रही है फिलहाल कानून व्यवस्था की, तो कानून पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उसकी क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं की? क्योंकि रिपोर्ट दर्ज न होने के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली थी। अगर पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दर्ज कर लेता और पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता तो शायद आज वो महिला बीच में होती हमारे। एक बेटी बच जाती, मालवीय जी भारत की एक बेटी की जान गई है। राजा जी क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने ये बात पहले ही आपको कही कि नरसिंहपुर की पुलिस की गलती हुई तो उनको तुरंत सजा मिली ना, तुरंत तो सजा मिली, लेकिन बात अभी कानून व्यवस्था की जा रही है तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त तो है ना। किसी एक दो घटनाओं से पूरी कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ठीक है, नरसिंहपुर के कानून व्यवस्था की बात करते हैं, नरसिंहपुर के कानून व्यवस्था की बात बता दीजिए आप। आप तो राजस्थान पे सवाल उठाती, महाराष्ट्र पे सवाल उठाती, आज मध्य प्रदेश में सवाल नहीं उठ सकता? 7 घटनाएं 7 दिन में मालवीय जी, सवाल तो उठेंगे। सुनिए, ना मैं महाराष्ट्र से उठाती ना मैं राजस्थान से उठाती, मैं ये कहती हूँ कि घटना कहीं भी हुई है तो वो घटना है और गलत है।
ये तो आपकी झलक होती है, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काम है, ये राजो मालवीय का काम नहीं है। राजो मालवीय को तो राजस्थान की बेटी राजो मालवीय जी का ये काम है, वो संवेदनशीलता से सुने की बेटी भी बेटी है, आदर्श की बेटी भी बेटी है, ज्यादा बेटी के गलत हुआ है तो वो गलत है। ये राजो मालवीय कहती है कांग्रेस का भारतीय। अच्छा ठीक है राजू मालवीय जी, आपको क्या कुछ लगता है कि कानून व्यवस्था को बिल्कुल स्वस्थ बनाने के लिए किस तरह के एक्शन और उठाने चाहिए अभी प्रदेश में? देखिए कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए लगातार 24 घंटे चिंता की जा रही है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, जहाँ कहीं कमी बेची पाई जाती है उसको दुरुस्त किया जाता है, तो उसके लिए लगातार जाता हो तो 7 दिन में 7 प्रशासनिक व्यवस्था भी लगी हुई है, माननीय गृह मंत्री जी भी लगे, मुख्यमंत्री जी भी लगे, लिया जाता है, सिर्फ नोटों की राजनीति हो रही है। अब राजेता जी आपका क्या कुछ आखिरी रिएक्शन रहेगा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल समय की कमी है, ऐसे में एक आखिरी रिएक्शन की आपको क्या कुछ लगता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए जिस फुर्ती से हम म्यूजियम टीम और शहरों का नाम बदलते हैं, उसी फुर्ती से उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति से अगर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे, उनको देने का काम तो बात की ये भी कहना चाहती हूँ, सजा के पहले हमें सुरक्षा और संरक्षण इंश्योर करना होगा हर एक महिला के लिए, हर एक बेटी को पहले, हर भारत की हर एक बेटी की जान अनमोल है, बात सजा तक पहुंचे ही नहीं, बात सुरक्षा और संरक्षण की हो कि पुलिस का अधिकारी सब महिलाओं का साथ दे, ऐसी न्याय व्यवस्था बने, ऐसी कानूनी व्यवस्था बने, और आज के दिन हमें महिलाओं को साथ खड़े रहना है। बिल्कुल राजेता जी, फिलहाल तो सिचुएशन इस तरह से अभी सामने आ चुकी है कि अब महिलाओं को खुद सशक्त बनना होगा और अपने हथियार खुद लेके महिलाओं को अपनी जेब में रखने होंगे, पर्स में रखने होंगे, क्योंकि अब फिलहाल कानून व्यवस्था पर या किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत शुक्रिया। राजू मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप की घटना का शोर अभी थमा भी नहीं था, तो वहीं नरसिंहपुर के खिचड़ी चिचली से भी महिला के साथ गैंगरेप का एक और मामला सामने आया। लेकिन यहां खास बात यह रही कि प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर गैंगरेप मामले पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले लिया और मध्य प्रदेश को यूपी का हाथरस नहीं बनने दिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।